पार्वती जी भी बैठ कर तप करी, उनके नयन से जो असुर निकला उससे बेलपत्री का वृक्ष, काय का वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, काय का वृक्ष, रुद्राक्ष। बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु उसके नीचे पड़े। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवता हो तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं। बेलपत्री के पेड़ का बड़ा प्रमाण, सोमवार के दिन अष्टमी पढ़ने पर, कौन से दिन, सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़े, कोई से भी सोमवार को यदि अष्टमी पड़े उस दिन, अगर किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, 8-8, 10-10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए और बच्चे नहीं हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को गोदी में बच्चे को बिठाकर खीर का भोजन करा दो, उसी की झूठी खीर जिसके बच्चे नहीं है उस पति और पत्नी को खिला दो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय। मात्र 3 से 4 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है, बेलपत्री के पेड़ का इतना प्रमाण है। एक बेलपत्री ऐसी होती है जो कि शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकता है।